हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का अपना टॉपिक सीआई का है। ओके, अपना एसएससी टीयर वन का रिजल्ट आ चुका है। उन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस जो सिलेक्ट हुए हैं। जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाए उनको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल अटेम्प्ट्स लगातार करते रहना, अभी शुरुआत है। अच्छी कोशिश से आगे बढ़ो अपना, और जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके ऊपर फोकस करो। पास्ट को आप नहीं बदल सकते, लेकिन जो आने वाला है उसको सुधार सकते हो, तो उस पर ध्यान देना है। ठीक है बच्चा, आज का टॉपिक, अगर आप मेंस के लिए जा रहे हो, जो बच्चे क्वालिफाई कर गए उनको पता है कि यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन और प्रीलिम्स में 1 से 2 क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। और सीआई की जहाँ तक मैं बात करूँ तो सबको पता है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। इससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एसआई आना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट। उसकी मैंने 2 वीडियो डाल रखी है जो पूरी कंसेप्चुअल वीडियो है, तो आप उनको देखें। जिनमें जो नहीं देखा है, जो देख चुके हैं उनके लिए ठीक है। अब सीआई सीखना है बच्चा, सीआई बहुत लंबा टॉपिक होने वाला है। लगभग मान लो कि 3 घंटे हम कंसेप्ट के ऊपर वर्क करने वाले हैं इसके, और पूरा यूनिक कंसेप्ट होने वाला है। सीआई आपने इस तरीके से नहीं सीखा आज तक बिल्कुल भी। थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है शुरुआत में, बट वो भी एक्सेप्ट कर लोगे ना आप, तो फिर आप कैसा भी क्वेश्चन सीआई का आ जाए ये मेरी गारंटी है। पूरा डिटेल में बताऊंगा एक एक बेसिक से, बहुत लंबा टाइम लेंगे और पूरे कंसेप्ट्स के सीखें ताकि कोई भी क्वेश्चन इसका मिस ना हो, चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे एसएससी सीजीएल का हो या किसी और लेवल का। सीआई का सारा क्वेश्चन अपना अटेम्प्ट होना चाहिए। ओके, मैंने चैलेंज के लिए आपके सामने 2 क्वेश्चन रखे हैं सीआई के। ठीक है बच्चे, जिन बच्चों ने पहले सीआई पढ़ा है वो इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन करें, इसको भी नोट डाउन करें, और जैसा आपने सीखा है आपके ट्रेडिशनल वे या व्हाटएवर जो भी आप जानते हैं ट्रिक्स, वो अप्लाई करें। और आप मुझे बताएं कि ये क्वेश्चन आपने कितने टाइम में सोल्व किया, और क्या हो कि मैं कह सकता हूं कि दोनों ही क्वेश्चन 40 सेकंड के अंदर अंदर सोल्व हो जाएंगे, विद इन 40 सेकंड्स। ठीक है, कब? जब आप मेरा मेथड सीख लोगे। ठीक है, तब तक के लिए आपके चैलेंज है, आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करें, इनका आंसर्स मुझे बताएं कमेंट के अंदर, वेट करूंगा मैं। ठीक है, तो मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं बच्चा सीआई। देखो, सीआई में और आपने जो एसआई पढ़ा है उनमें क्या डिफरेंस है। कॉमनली आप जब बात करते हो एसआई की, सिंपल इंटरेस्ट एक ऐसा तरीका होता है ना जहां इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर ही काउंट करते हो, बस उसके बियॉन्ड आप काउंट नहीं करते। बट कंपाउंड में क्या होता है कि आप प्रिंसिपल के ऊपर तो इंटरेस्ट काउंट करोगे ही करोगे, जो आपका एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बिल्डअप होता जा रहा है उसके ऊपर भी आपने इंटरेस्ट काउंट करना है। यही चीज कॉम्प्लेक्स बनती है ना, और इसमें काफी सारे वे बन जाते हैं फिर अलग अलग। तो देखो बच्चा, पूरा बेसिक कंसेप्ट, मान लेते हैं प्रिंसिपल 10,000 है। फिर कह रहा हूं बच्चे, एसआई का वीडियो जरूर देखिए आप, रेट 10%, उसमें बताया था मैंने, फिर बता रहा हूं। रेट के बारे में जब तक कुछ ना बोला जाए 10%, तो सेल्फ अंडरस्टूड होगा 10% एनुअली ही है। ठीक है, वार्षिक। टाइम मान लेते हैं बच्चे 4 ईयर। काउंट करना है सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा, या अमाउंट भी आप कह सकते हो, आपको अमाउंट भी कैलकुलेट करनी है। तो देखो, इसके 2 वे बनते हैं, और दोनों टाइप के वे जो हैं वो हमें सर्टेन डेफिनेशन देते हैं जो हमने यूज करनी है, डेफिनेशन भी यूज करनी है हम लोगों ने थ्योरेटिकली। तो मैं पहले वे की बात करता हूं। पहला तरीका क्या हो सकता है इसके ऊपर, देखो बच्चा, प्रिंसिपल कितना रखा हम लोगों ने 10,000, रेट 10% है। रेट का मतलब हम लोगों ने क्या सीखा था एसआई के अंदर, जो एक वर्ष का ब्याज है वही ब्याज की दर कहलाती है, इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। तो पहले साल ऑब्वियसली 10% मिलना है प्रिंसिपल का, तो इसका 10% बच्चे 1,000 हो जाएगा। सेकंड ईयर क्या होने वाला है बच्चा, पहले तो ये प्रिंसिपल के ऊपर 1,000 मिलेगा, फिर क्या होगा, इस 1,000 के ऊपर 10% मिलेगा आपको। सो क्यों, सीआई का मतलब क्या होता है बच्चा, सीआई के अंदर जिस पर्सन ने पैसा उधार दिया है वो क्या मानता है, ये प्रिंसिपल तो उसी का है भाई, उसने हमें उधार दे दिया तो इसके ऊपर ब्याज लेगा। फिर वो क्या बोलेगा, जो पहले साल का ब्याज बना है ये ब्याज भी जिस बंदे ने हमें उधार दिया है उसी का पैसा है। अब वो कहता है कि अगर ये ब्याज मेरा पैसा है तो इसके ऊपर भी ब्याज लगना चाहिए, क्योंकि पैसा तो उसका है और उधारा हमारे पास है। लेकिन हमारे पास उधारा कब हुआ, शुरुआत से नहीं, 1 साल बाद हुआ, तो इसके 1 साल बाद इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। अब आप खुद बताओ कि तीसरे साल क्या होगा, सबसे पहले आप प्रिंसिपल का तो ब्याज भरोगे ही भरोगे, फिर क्या करना पड़ेगा, जो पहले साल का उसका ब्याज बन चुका है उसका पैसा है, ब्याज देना पड़ेगा इसका 10%। जो सेकंड ईयर उसके ब्याज बने उनका भी 10% देना पड़ेगा, यानी मूलधन के साथ साथ ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगना ही चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है बच्चा, ये डेफिनेशन है इसका।
देखो थर्ड ईयर क्या होने वाला है, प्रिंसिपल का बिल्कुल पहले साल का 10%, इस दूसरे साल 1000 का 10% और इस 100 का 10% अलग से, कितना हो जाएगा 10 रुपीज। ये आपका 3 साल का इंटरेस्ट बना। और फोर्थ ईयर क्या होने वाला है बच्चों, जितना पैसा आपको ये दिखाई दे रहा है ना प्रिंसिपल को इंक्लूड करते हुए, सबके ऊपर आपको 10% पे करना है। पहले प्रिंसिपल का आप कहेंगे सर 1000, इस 1000 का कितना बनेगा बच्चे 100, तो ऑब्वियसली बात है जो 2000 है यहां से भी 100-100 रुपए आने हैं। फिर इस 100 का कितना आएगा बच्चा 10, तो यहां पे देखो 2 बार और 100 है, 2 बार और 10 आएगा, और इस 10 के ऊपर भी 10% यानी कि 1 रुपए और एक्स्ट्रा आएगा। तो ये हमारा टोटल 4 साल का CI बना, जिसको हम ऐड कर सकते हैं 4000, ठीक है। 100-100 कितने बार होगा 6 बार 600, ये 40 और 1 4641, ये आपका 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया। अमाउंट आपको पता ही है, प्रिंसिपल के अंदर इंटरेस्ट जोड़ दिया करो। तो एक तरीका तो ये बना, और इस तरीके की जो डेफिनेशन मैं कह रहा हूं बच्चा वो आप नोट करें अपनी नोटबुक के अंदर। इस तरीके के हिसाब से, इस मेथड के बिहार पे हम डिफाइन क्या कर सकते हैं, CI इज दैट वे ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ इंटरेस्ट इन विच द इंटरेस्ट इज काउंटेड ऑन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल ईयर्स। चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसा तरीका है ब्याज की गणना करने का, एक ऐसा तरीका जिसमें मूलधन के साथ साथ ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पे ही काउंट करोगे, तो ये तरीका ये डेफिनेशन देता है। अब ये मोस्ट इफेक्टिव है, इसके अंदर इतने इंटरेस्टिंग पैटर्न है, किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। बताऊंगा सारे पैटर्न कैसे यूज करने, कैसे ट्रिक्स बनाएंगे, सब पे ध्यान देंगे। एक तरीका तो बच्चे यही बना। दूसरा तरीका क्या हो सकता है हमारे पास, देखो जो कॉमनली आप स्कूल में यूज करते आते हो वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है। स्कूल में आप क्या करते हो बच्चे, देखो आपका प्रिंसिपल कितना था बच्चा 10,000, आपने 10% ब्याज दिया यानी कि आपने 1000 रुपये का ब्याज दिया, तो पहले साल कितनी अमाउंट बन गई बच्चे 11,000। क्लियर है यहां तक। अब वो उधार देने वाला बंदा क्या कहता है कि 10,000 आपने उधार लिए, 1000 ब्याज बन गया, यानी जो पैसा मैंने दिया था वो 11,000 बन चुका है, और ये सारा 11,000 उधार देने वाले का पैसा है। तो कहेगा 10,000 पे नहीं, इस बार सिंपल नहीं है ये, कंपाउंड है, अब 11,000 का 10% दो मुझे, वो कितना हो जाएगा बच्चे 1100। तो जो सेकंड अमाउंट क्या बनेगी बच्चे, वो कितनी हो जाएगी 12,100। अब कहेगा 2 साल बाद 12,100 बन चुके हैं मेरे, आपको इस पे 10% देना है, ठीक है। 1210 और गए तो अमाउंट 3 कितनी बन जाएगी 13,000, कितना हो जाएगा बच्चा ये, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया ना, 1210, ठीक है, ये बन जाएगा 13,310। अब देखो अमाउंट 4 में क्या होने वाला है बच्चे, अब वो कहेगा कि सारा पैसा उसका, इसका 10% दो पूरे पैसे पे, तो आपका बन जाएगा वो इसका 10% 1331, वो ऐड कर देना बच्चा, ये कितना बन जाएगा 14641। बात तो सेम बनेगी, ये आपके अमाउंट होगी, माइनस करोगे आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके में और इस तरीके में डिफरेंस क्या है, यहाँ आप प्रिंसिपल के साथ साथ बाकी सारे इंटरेस्ट पे इंडिविजुअली काउंट कर रहे हो। यहाँ आपने क्या किया है, जो आपकी पिछले साल की अमाउंट थी वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल का रोल प्ले कर रही है, फिर जो सेकेंड ईयर की अमाउंट थी वो तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल का रोल प्ले कर रही है। तो उसका डेफिनेशन मैंने बताया, इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, द वे इन विच अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, the way in which amount of previous year is taken as the principal for next year, एक ऐसा तरीका जिसमें पिछले साल का मिश्रधन अगले साल के मूलधन का रोल प्ले करेगा, ठीक है बच्चा। तो ये CI का बेसिक मतलब बना, ये वे आपने स्कूल में किया हुआ है, इसका आपने कॉमन फॉर्मूला बनाया था, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 + R/100। पावर कितना रखते हो बच्चे आप इसका, टाइम यानी टी, ये फॉर्मूला आप यूज करते हो। अमाउंट डायरेक्ट इंटरेस्ट निकालना, माइनस वन कर देते हो, या फिर माइनस पूरा करके माइनस कर सकते हो। तो ये वे भी यूज करेंगे जहां मजबूरी होगी, जहां फंस जाएंगे बिल्कुल, नहीं तो हमने इस तरीके के ऊपर चलना है। शॉर्टकट सारे ड्रॉ करके दिखाऊंगा अभी। तो ये दो बेसिक वे हमारे बने बच्चा, ठीक है। अब मैं आपको वो ट्रिक्स लिखवाने वाला हूँ जो आपने यूज करनी है,
ठीक है। और जो क्वेश्चन लंबे लंबे क्वेश्चन लिखवाए थे स्टार्टिंग में, वो डेंजरस क्वेश्चन होते हैं, वो कैसे शॉर्ट करने हैं, फिर वो ट्रिक्स कैसे बनी, उस लॉजिक के ऊपर आऊंगा मैं, ठीक है। आप यहां तक नोट करें, इतने सेक्शन में भी अगर कोई डाउट हो आप कमेंट के अंदर मेंशन कर सकते हो मुझे, ठीक है। अब जो लिखवाने वाला हूं वो पूरी तरह से आपके दिमाग में सेट कर लें, पूरे सीआई का निचोड़ निकालने वाले हम लोग अभी। और सीआई ऐसा कुछ नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है सीआई, ठीक है। देखो हम निकालेंगे बच्चा, कंबाइंड ईयर्स का अगर आ जाए तो कैसे निकालना है, मतलब वो बोल दे 2 साल का सीआई निकालो, 3 साल का निकालो, 4 साल का, 5 साल का, या पूछ सकते हैं सीआई ऑफ, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, ऑफ इंडिविजुअल ईयर्स, जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। आपने क्वेश्चन के अंदर मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है, जो क्वेश्चन लिखवाए थे कहीं आप 3 साल 4 साल समझ जाओ, वो 3रा साल और 4था साल था, ये इंडिविजुअल ईयर्स ना, ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में आजकल। अब सीजीएल ने पूछने स्टार्ट किए इसके ऊपर क्वेश्चन, 6 लेवल के, कैट में आते थे, बैंकिंग डालता रहता है अक्सर, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन होते हैं। तो कंबाइंड ईयर्स में कैसे करना है, 2 साल का सीआई निकालना, तो बच्चा कैसे निकालेंगे, (2)(1), ठीक है। 3 साल का निकालना सकता है, (3)(4)(3)ईयर्स, क्या बन जाएगा, 3, 3 एंड 1। मुझे 4 साल का पूछ सकता है, (4)(4)ईयर्स, दैट इज 4, 6, 4, 1। 5 साल का पूछ सकता है बच्चा, इट इज 5, 10, 10, 5, 1। चलो टेंशन, मतलब 4 साल से आगे कभी नहीं बढ़ेगा, लेकिन 5 का बता दिया है, 6 का बताऊंगा, 7 का 8 का, आप कितना बना सकते हो, आपको रेशियो समझनी है। जो पहली लाइन लिखी गई है ना बच्चा सब में, 2, 3, 4, 5, ये पहली लाइन आपकी है सिंपल इंटरेस्ट की, यानी कि ये वो इंटरेस्ट है जो आपका प्रिंसिपल के ऊपर काउंट होगा और हर साल सेम रहेगा। जो अगली लाइन है बच्चा, ये वाली लाइंस, ये वो हैं जो सीआई को रूप में देती हैं एक्चुअली, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल का होता है, जब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगाते हो तभी जाके वो कंपाउंड बनता है। तो पहली लाइन सब में ऐसा है कि जो लाइन सब में बच गई, ये लाइन, दिस इज नोन एज सीआई माइनस एसआई, यानी इस वाले मेथड ने आपको 2 एडवांटेज एक साथ दे दी, एक्चुअली 3 एडवांटेज, ये पूरा तीनों है आपका सीआई माइनस एसआई, ये चारों लाइन बच्चे आपके यहाँ पे हैं सीआई माइनस एसआई, यानी पहली लाइन आपकी सिंपल इंटरेस्ट की है, जो बची हुई लाइंस हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस की है, यानी अपने इस तरीके में सिंपल इंटरेस्ट भी काउंट कर लिया, कंपाउंड के साथ उसका डिफरेंस भी काउंट कर लिया, और अगर इनको सबको जोड़ के रखूं तो आपका सीआई है ही फ्री है, यानी इस तरीके आपने 3 चीज काउंट की है, सिंपल इंटरेस्ट भी, कंपाउंड इंटरेस्ट भी, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस भी, ठीक है बच्चा। आप इसको नोट करके रखें, इससे आगे कैसे बढ़ना है वो बताऊंगा, 6-7 साल। अब देखिए इंडिविजुअल ईयर्स, आपको थोड़ा सा ना अटपटा लग रहा होगा, ये है क्या, अभी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लॉजिक बताऊंगा इसका। इंडिविजुअल ईयर्स देखिए बच्चे, अब क्वेश्चन बनेगा 4 सेकेंड ईयर, ऑलराइट, डिफरेंस समझना, ये कौन सा है 4 2 ईयर, ये कौन सा है 4 सेकेंड ईयर, 4 सेकेंड ईयर क्या बनेगा बच्चे, 1 एंड 1, पहला इसमें वही रहेगा बच्चा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और क्या पूछ सकता है, 4 थर्ड ईयर क्या बनेगा बच्चे, 1 2 एंड 1, पहली लाइन किसकी रहेगी, सिंपल इंटरेस्ट की, फिर ब्याज के ऊपर ब्याज। पूछ सकता है बच्चे 4 4th ईयर, ना कि 4 साल, 4th साल अकेला, 1 3 3 एंड 1, यहां तक ऐसे ऐसी पहुंच चुकी है। 5th ईयर 1 4 6 4 1, ठीक है, पहली लाइन ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछ चुके हैं, इस बार 2 बार ऐसे क्वेश्चन डाले हैं एसएससी ने, काफी अच्छे हैं। तो ये इंडिविजुअल ईयर्स का हो गया, अब 6 साल 7 साल निकाल सकते हो उसके बाद भी, ठीक, वो कैसे बताऊंगा अभी। तो आपको पहले तो ये ट्रिक्स नोट करके रखनी है आपकी, कि आपने इन ट्रिक्स के ऊपर चलना है, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, मुझे याद है, आप कंसेप्ट को जब सीखो ना लॉजिक सीखोगे, लेकिन आपको फॉलो ये तरीका करना है, लॉजिक सीखते आप समझ जाओगे अपने आपके ये तरीका कहां से उठ के आया है।
आपको जो स्टार्टिंग में डिटेल्ड मेथड समझाया था, मे बी आपने वहां ध्यान ना दिया हो, ये वहीं से उठ के आया है। अब वापस लेके जा रहा हूँ लॉजिक के ऊपर बच्चा, तब तक के लिए आप इनको नोटबुक के अंदर नोट करके रखें और दोबारा में जब मैं बेसिक टेबल बनाऊंगा आप कंपेयर करें कि ये निकले कैसे थे, ठीक है? तो आप इनको नोट कर लें, मैं आगे चल रहा हूँ, इनका लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली आप इनको शॉर्ट ट्रिक ना कहें, ज्यादा अच्छा रहेगा ना, ये शॉर्ट ट्रिक ना हो कि एक बेसिक मेथड है जो बहुत फास्ट कैलकुलेशन देता है। तो बच्चा अपनी शुरुआत की टेबल आप रिकॉल करना है एक बार, प्रिंसिपल कितना रखा हम लोगों ने 10,000, हम रेट मान के चल रहे थे बच्चा 10%। तो मुझे सारा टेबल रिकॉल कराओ, फर्स्ट ईयर कितना लिखा था हम लोगों ने 1,000 रुपये, सेकेंड कितना लिखा बच्चा हम लोगों ने, भाई 1,000 तो थे ही, 1,000 का 10% यानी 100। थर्ड ईयर कितना बना था बच्चे हमारा, 1,000 बना था, ये 100 बना था, इसका 100 बना था और 10, ठीक है बच्चा। थर्ड ईयर, फोर्थ का देखना बच्चे, 1,000 बनेगा, पहले 1,000 का 100 बनेगा, दूसरे 1,000 का 100 बनेगा, तीसरे 1,000 का 100 बनेगा, 100 का 10 बना था और 10 का 1, ठीक है, ये हम लोगों ने किया था। तो पहले आप कंबाइंड ईयर्स का जो लिखवाया है उसको ओपन करके बैठे, पहले लिखो ना 2 साल का, बच्चा आप मुझे खुद बताओ 2 साल में 1,000 कितनी बार आया है, 2 बार, और 100 कितनी बार आया है, 1 बार। तो मैंने क्या लिखवाया था, 2 and 1, वो यहां से उठा के लिखवाया था बच्चा, ये यूज करना है, बेसिक है। और 1,000 क्या था बच्चे, जो प्रिंसिपल के ऊपर काउंट हुआ, और 100 क्या था, जो इस SI के ऊपर काउंट हुआ, ठीक है ना बच्चा। 3 साल पे ध्यान दें, 3 में क्या लिखवाया, 1,000 कितनी बार आया, 3 बार, 100 कितनी बार आया, 3 बार, और 10 कितनी बार आया, 1 बार। तो क्या लिखा था उसका हमने, 3, 3 and 1, ठीक है। अच्छा बच्चे 4 साल पे ध्यान दें, 1,000 कितनी बार आया, 4 बार, 100 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 10 कितनी बार है, 1, 2, 3 और 4, तुमने क्या लिखा था, 4, 6, 4 and 1, ये लिखा था ना हम लोगों ने, बस यही पैटर्न है, ये बेसिक है बच्चा। और बेसिक ने हमें वो कैलकुलेशंस दी हैं जो सबसे फास्ट पड़ेंगी, CI के हर मेथड के ऊपर पड़ेंगी। अब देखो, आपने कहा कि मैंने 5 साल का भी लिख दिया, आप सोच रहे हो कि 5 का तो हमने ट्राई किया नहीं, कैसे लिख दिया, आप पैटर्न को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। CI का फिर कहा था मैंने, बेसिक कर लेते हैं, पैटर्न को स्टडी कम बच्चे करते हैं। देखो यहाँ 1,000 है, तो आपको 1,000 यहाँ भी आया, लेकिन 1 बार ये बढ़ के आया है। अब तीसरे साल भी ध्यान दें बच्चे, ये तो आया ही है, ये भी आया है, ये भी, और इसका ये एक्स्ट्रा, टेक्निकली ये क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे ये 1 तो रहा, 1 एक्स्ट्रा जनरेट हुआ, यहाँ पे ये चीजें एज इट इज आई, 1 एक्स्ट्रा जनरेट हुआ। तो जो शुरुआत का 1 था वो 1+1 बना, ठीक है, जो यहाँ का 1 and 1 था वो 1, 2 and 1 बना। तो टेक्निकली क्या हो रहा है कि देखो, (2, 2, 1) 3, 3, 1 4, 6, 4, 1। अब हम जितने साल की बात करोगे, 5वें साल की बात करते, तो मुझे बताओ 5वें साल में क्या होता, ये 1,000 तो आता ही आता, यानी कि 5 बार तो होता ही होता ना SI सिंपली काउंट। अगली बार क्या होना था बच्चे, जैसे यहां पे देखो ये 1 था ना बच्चा, इन दोनों को जोड़ के ये रेशियो तैयार हुई थी, ठीक है ना, तीसरे साल में ये होता है, इन दोनों को जोड़ो, 3 बन गया ना, ये 3 रेशियो निकलेगी, तो ये 3 रेशियो। जब 4 में जाओगे तो देखो 4 साल तो आएगा, इन दोनों को जोड़ना 6, इन दोनों को जोड़ो 4, और लास्ट का अपना 1 आना है। तो 5वें साल में क्या होने वाला है, 5 तो आएगा ही आएगा, इन दोनों को जोड़ो 6 और 4 10, इन दोनों को जोड़ो 10, इन दोनों को जोड़ो 5, और लास्ट में 1। तो अब 6ठे साल का जब निकालोगे ना, 6 साल का CI इकट्ठा निकालना पड़ जाए, तो शुरुआत में 6 और आखिरी में 1 तो बेझिझक लिख दें, बीच में क्या करना है, इनको जोड़ो 15, इनको जोड़ो 20, इनको जोड़ो 15, इनको जोड़ो 6, ये रेशो चलता है कंबाइंड ईयर्स का। तो ये ट्रिक्स कितनी भी लंबी आप खींच सकते हो, ठीक है, हालांकि नेसेसिटी नहीं 5 साल से ऊपर की, लेकिन कर सकते हो, ये रेशियो का पैटर्न है बच्चे। अब आपने देखा था कि हमने कंबाइंड ईयर के साथ साथ इंडिविजुअल ईयर्स का भी लिखा था, आप ध्यान दें प्लीज, सेकेंड ईयर में क्या लिखवाया था मैंने, 1 and 1। तो सेकेंड ईयर में जो आप खुद बताओ, 1,000 कितनी बार है, 1 बार, 100 कितनी बार है, 1 बार, बस हो गया 1 and 1। देखो इंडिविजुअल ईयर्स कितना आसान था और आपके लिए कितना कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ ध्यान नहीं दिया जाता। थर्ड ईयर पे आप देखना बच्चे, 1,000 कितनी बार आया है, 1 बार, 100 कितनी बार आया है,
दो बार, 10 कितनी बार है, एक बार, तो मैंने लिखवाया था 1 to 1। अब बच्चे फोर्थ ईयर पे ध्यान देना बच्चा, फोर्थ में 1000 कितनी बार है, 1, ये कितनी बार है, 3, ये कितनी बार है, 3, और ये कितने टाइम है, 1, तो लिखवाया था 1 3 3 1। और यहाँ पे भी वही है, देखो एक तो आएगा ही आएगा ना, सिंपल इंटरेस्ट है, एक में एक दोनों को जोड़ के लिखा 2 बन गया और 1 आ गया, दोनों को जोड़ के लिखा 3 बन गया, दोनों को जोड़ के लिखा 3 बन गया और 1 आ गया। तो अगर कोई आपसे 5वें साल का इंडिविजुअल पूछ ले तो देखो शुरुआत का 1 और आखिरी का 1 तो लिखोगे लिखोगे, कहाँ फर्क पड़ेगा, 1 और 3 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4, तो मैंने लिखवा था 1 4 6 4 1। आप 6th का बना सकते हो 1 and 1 लिख के, इनको जोड़ जोड़ के। तो बच्चा सीआई बहुत गहरा टॉपिक है, दिक्कत कहाँ होती है, क्योंकि उसके बेसिक पैटर्न को पूरी तरह से स्टडी नहीं किया होता तो क्वेश्चन अटकते हैं उसके अंदर। अब जो आपको लिखवाया है उसको आप यहाँ से कंपेयर करें, इंडिविजुअल ईयर्स की ट्रिक्स कहाँ से उठाई है, कंपाइंड कहाँ से उठाई है, ये ट्रिक्स बहुत फास्ट होने वाली है, ठीक। अब मैं और इसके ऐसे अनसुलझे रहस्य बताता हूँ जिससे क्वेश्चन आपके अटकते रहते हैं, अब वो सीख नहीं पाते क्योंकि आपने कंपेयर नहीं किए होते, अब वो भी सिखा रहा हूँ, ध्यान दें प्लीज। नोट कर लिया बच्चे यहां तक, अब देखो आगे और कौन कौन से इसमें खतरनाक से कंसेप्ट है वो देखते हैं, जो बेसिक है बिल्कुल, आप समझते नहीं उन चीजों को ना। देखो प्रिंसिपल था बच्चे अपना 10,000, रेट हम लोगों ने ली थी 10%, तो पहले साल की अमाउंट हमारी कितनी बनी थी बच्चा, 11,000, दूसरी अमाउंट कितनी बनी थी, 12,100, तीसरी अमाउंट कितनी बनी थी, 13,310। चलो मैं फोर्थ अमाउंट तक नहीं जाता, तो आप मुझे बताएं प्रिंसिपल का और अमाउंट 1 का रेशियो क्या है। आप बहुत इजीली मुझे कट करके बताएंगे सर इट इज़ 10:11। फिर मुझे बच्चे ये बताओ कि जो अमाउंट 1 है और अमाउंट 2 है उनका रेशियो क्या है, ठीक है। आप कहेंगे सर अभी निकाल लेते हैं भाई, अमाउंट 1 ये है और अमाउंट 2 ये है, 11 से कट किया 10 पे और 11 पे फिर से सेम आ गया। आप मुझे बताओ अमाउंट 3 का, अमाउंट 2 का और अमाउंट 3 का रेशियो क्या है, अपने कट किया 11 से 10 पे और 11 पे, ये भी कहानी खत्म होगी। तो आपने नोटिस किया कि जो प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो है वही अमाउंट 1 और अमाउंट 2 का रेशियो है, वही अमाउंट 2 और अमाउंट 3 का रेशियो है। और एक और बात, डेफिनेशन में मैंने साफ साफ लिखवाया था जो प्रीवियस ईयर की अमाउंट है वही अगले साल के लिए प्रिंसिपल का रोल भी प्ले करती है। तो इस बात का एक सिंपल सा मतलब लिख सकते हैं कि सीआई के अंदर इन सीआई रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। सीआई के अंदर जो प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो होता है वो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है। तो अगर आपको कोई इसी क्वेश्चन के अंदर दिखाई दे जाएगी 5वें साल और 6ठे साल के अमाउंट का रेशियो 4:5 है, तो आप समझ जाना कि प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो भी 4:5 ही है, आप वहीं से रेट निकाल सकते हो, ठीक है ना बच्चा, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात, मजेदार, बहुत गहराई की बात है, समझ में कम आती है, पढ़ाई तो उसके ऊपर बिल्कुल नहीं की होती, तेरे क्वेश्चन आजकल उसी के ऊपर चल रहे हैं इसीलिए वो क्वेश्चन अटकते हैं बार बार। अब देखो वो क्या है, आप मुझे खुद जज करके बताओ बच्चे, प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो आपने कहा सर 10:11, अच्छा बताना बच्चे पहले साल में कितना ब्याज मिला जो फर्स्ट ईयर का सीआई है, आपने कहा 1000 रुपये, बिल्कुल सही भाई। और सेकेंड ईयर का बताना बच्चा सीआई कितना आया है, तो आपको 1100 रुपये। क्या इनका रेशियो भी 10:11 है, आप कहेंगे बिल्कुल 10:11 है। सेकेंड ईयर का सीआई कितना है बच्चा, 1100, और थर्ड ईयर का सीआई कितना है, आप यहां से देखें 1210, ये रेशियो भी कितना आएगा बच्चे 10:11, थर्ड ईयर का सीआई बताओ मुझे 1210, बताओ बच्चा फोर्थ ईयर का सीआई निकाल रखा है 1331, ये रेशियो भी क्या आएगा 10:11। देखो जो इंडिविजुअल ईयर्स के सीआई का रेशियो होता है वो रेशियो भी हमेशा कॉन्स्टेंट होता है और प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशियो के इक्विवेलेंट होता है। अब वो क्वेश्चन जो आप सोल्व ही नहीं करते ये समझ के कि इसमें तो इंटरेस्ट का रेशियो दिया है रेट कैसे निकालें, पहली बात ये समझो इंटरेस्ट का रेशियो इक्विवेलेंट है प्रिंसिपल के अमाउंट के रेशियो के, जो प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशियो होती है वही इंडिविजुअल ईयर्स के इंटरेस्ट की रेशियो भी होती है, इंपॉर्टेंट बात है काफी, क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं इसके ऊपर। अब इसको नोट करें आप, पहले मैंने लिखवा दिया था ये, प्लीज मैं लाइन बोल रहा हूं आप लोग नोट कर लें, इन सीआई द रेशियो ऑफ इंडिविजुअल ईयर्स इज आल्सो कांस्टेंट,
इन सीआई द रेशियो ऑफ इंडिविजुअल ईयर इंटरेस्ट इज आल्सो कांस्टेंट एंड दिस रेशियो इज इक्विवेलेंट टू द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट। ठीक है, सीआई के अंदर जो अकेले साल का ब्याज की रेशियो होती है वो भी कांस्टेंट होती है और ये रेशियो मूलधन और मिश्रधन की रेशियो के बराबर होती है, यानी डायरेक्टली इसका यूज हो सकता है आपका रेट पता करने में। ठीक है बच्चे, ये सीआई की वेरियस शुरुआतें हमारे पास, वेरियस टाइप्स, वेरियस छोटी छोटी बातें होती हैं। अब सीआई की गहराई में उतरते हैं, इन कंसेप्ट्स का यूज करते हुए, यानी कितने टाइप से सीआई के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो टाइप्स कैसे कैसे बनेंगी, प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट निकालनी है, इंटरेस्ट निकालना है, और उसके अलावा क्या क्या कुछ करना है, रेट फाइंड करनी है, तो रेट में कितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी बातें बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बताऊंगा पार्ट टू के अंदर। पार्ट वन में आप कंसेप्ट को समझें, पार्ट टू में कंसेप्ट की गहराई को समझेंगे, और पार्ट वन को मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मैक्सिमम शेयर करें, हर किसी के पास पहुंचाएं, ताकि सीआई को लेकर जो डर बना है ना बच्चों का वो दूर हो और समझ में आ सके कि हाँ सीआई भी इतनी आसानी से पढ़ाया भी जा सकता है और इतनी आसानी से समझ में भी आ सकता है। ठीक है बच्चा, टिल देन मैं सेम लाइन बोलूंगा, कीप वर्किंग, कीप स्माइलिंग, सक्सेस की टेंशन बिल्कुल ना लें, मिल जाएगी, जब इकट्ठे होंगे थोड़ा सा लॉकडाउन खुलेगा तो वहां गुड़गांव आएंगे, मिलेंगे सब बच्चों से, बहुत इजीली चीजें डील करेंगे, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, तब तक मेहनत बिल्कुल नहीं छोड़नी है। मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी और प्लानिंग कैसे करना है उसके लिए एक स्पेशल वीडियो मैं बना दूंगा, जब आपको बताया जाएगा मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करने हैं आप लोगों ने, कैसे मार्क्स इंक्रीज करने, अपने सेचुरेशन पॉइंट से ऊपर कैसे उठना है। ठीक है, टिल देन ये वीडियो देखें, एंजॉय करें, मैक्सिमम शेयर करें, कमेंट करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक्स।